छात्राएं, विद्यार्थी और फ्यूचर के भविष्य के कलाकार, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग इस कला को आगे बढ़ाने वाले हैं फ्यूचर में। वो कौन है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी मेहनत करेगा, सच्ची ईमानदारी से जो भी आगे सीखता रहेगा और उसको साधेगा, उसकी प्रैक्टिस करके उसमें अपना क्रिएटिविटी डाल के आगे बढ़ा के जो भी उस चीज को आगे लेके जाएगा, वो आप में से भी कोई होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ की बहुत ही हार्ड वर्किंग मैडम डॉक्टर अमित और बहुत टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव, स्माइलिंग अलका मैडम डॉक्टर अलका यादव, ये दोनों संगीत की बहुत सेवा कर रहे हैं धुन के माध्यम से, और मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ कि कितनी मेहनत से और उतार चढ़ाव आने के बाद भी ये लोग कितना समर्पित हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो भी दूसरों को कुछ देके जाए किसी भी फॉर्म में, आपके पास जो है आप उसका दान करें, और कला का दान तो महादान है। तो ये लोग कला की सेवा कर रहे हैं और आप लोग उससे प्रेरणा मिल रही है, आप लोगों को, आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, सीख रहे हो, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, बहुत सारा प्यार। और पिछले साल जब मैं आई थी तो छोटे छोटे जो बच्चे थे थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अगली साल आऊं तो वो मेरे से लंबे हो जाएं। और कोशिश ये करें कि ये कला जोड़ने की कला है, संगीत की कला है, आपको जोड़ती है, एक कलाकार का दर्शक के साथ, श्रोता के साथ जुड़ाव होता है। समाज के विभिन्न वर्ग, हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या है, रिगार्डलेस टू कलर, क्रीड, रिलीजन, ना उसमें धर्म है, ना उसमें कोई भेदभाव है, ना उम्र की सीमा है, कोई भेदभाव की बात ही नहीं है, ये सब जोड़ती हैं चीजें आपस में। हमें ये नहीं पता होता वो कलाकार किस जाति का है, किस धर्म का है, कला का साधक है, तो हम सब एक परिवार के हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं।